हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज यमी से कटलेट, खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ। तो ये देखिए, हमने 7 to 8 मीडियम साइज के आलू को बॉईल कर लिया, उनको ग्रेट कर लिया। ये ग्रेट करने के बाद करीब 2 कप है। 2 पतली गाजर को मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, ग्रेट नहीं किया है, इसको चॉप किया है। बीन्स को चॉप कर लिया है, 10 से 12 बीन्स हैं। 1 बड़े प्याज को चॉप कर लिया है। थोड़ी सी पर्पल कैबेज पत्ता गोभी है हमारे पास, उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा बारीक काट लिया है। आधा शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है और 1 चम्मच अदरक ग्रेट करके ले लिया है। फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं हम यूज करने वाले हैं। ये मैदा और उसका हमने चावल के आटे का थोड़ा घोल बना के रख लिया है। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर है। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार है। तो आइए पहले सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ये यमी लगने वाला है, हेल्दी है, न्यूट्रिटिव है। बहुत सारी सब्जियां इसके बहाने बच्चे खा सकते हैं। तो हम सब इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको एक साइड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। ये सब आप आपस में मिक्स करेंगे। अदरक है ये, अच्छे से हाथ से ना, हाथ से मिक्स करिए और एक फैला हुआ बर्तन लें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके। अब हम बनाने लगे हैं, इसलिए हम उसके साथ ही हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और इसको भी हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मिक्सर तैयार हो गया है, हमने इसको टेस्ट करके देख लिया है। और ये थोड़ा सा हमें नमक और डालना पड़ा, थोड़ा स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सी मिर्ची ऐड की है। अब हम डाल रहे हैं इसमें ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम के लिए ना आपको ऐसे मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए कि बाइंड हो रहा है। पहले हम हाफ पोर्शन इसका कर लेंगे। मैं काफी मात्रा में बना रही हूं, तो आप पहले कम मात्रा से ही इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स। अब देखिए, हमने ऑयल लगा लिया है हाथों पे, और जैसी भी आप शेप देना चाहें ना इसकी, आप उस तरह से शेप दे सकते हैं। राउंड बनाना चाहें, फ्लैट बनाना चाहें, ओवल बनाना चाहें, पर थोड़े छोटे पीस बनाइए ताकि वो अंदर से एकदम अच्छे सिके हों, अच्छे लगे। तो इस टाइप से देखिए, हम ये सारे पीस बना के रख लेंगे। देखिए, ऑयल लगाने के बाद ना हाथ पे चिपकता नहीं है, तो आप ऐसे कितनी सारी देखिए सब्जियां हैं इसके अंदर, यानी ये हेल्दी स्नैक कहने के साथ साथ मैं तो ये कहूंगी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं अगर आप फ्राई नहीं खाना चाहते, बट बच्चों को आप बाहर का खाना खिलाने से अच्छा है ये सब खिलाएं। तो पहले हम ऐसे बनाकर रख लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से ये तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे कटलेट उठाएंगे, इसको इसमें डिप करेंगे घोल में, और ब्रेड क्रम में इसको लपेट लेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखे, इससे क्या है आपका जो कटलेट है ना वो बिखरेगा नहीं। और हल्के हाथ से करेंगे इसको प्रेस ताकि जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए इस तरह से। और इनको करेंगे हम सीधा डीप फ्राई। जो हमने ऑयल रखा है कढ़ाई में, हम उसमें ये डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने एक पहले फ्राई करके देख लिया है। आप पहले फ्राई करके देख लें कि अगर परफेक्ट है तो फिर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बन रहा है तो आप फिर इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम और मिला सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे कटलेट्स डाल दिए हैं, इनके सिकने की इंतजार करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये सिकना शुरू हो गए हैं और कहीं से भी कोई फटा नहीं है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, मतलब आप बनाकर देख लीजिए पहले, और इनको मीडियम फ्लेम पर करना है। जब आप पहले डालते हैं ना तो एक बहुत जल्दी सिक जाता है, लेकिन जब आप दूसरे डालते हैं तो तेल थोड़ा ठंडा हो जाता है, उस हिसाब से आप ना फ्लेम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बहुत टेस्टी बनने वाले हैं, साथ में सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत ही यमी कटलेट्स हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ी बीटरूट ग्रेट की थी डालने के लिए, पर मुझे लगा ये ओवर पावर कर जाएगा कलर,
तो इसलिए मैंने ये अलग से आपको मिला के दिखा रही हूँ कि केवल आपको यही कलर चाहिए ना रेड, तो आप थोड़े से बीटरूट मिक्स करके भी इन सभी सब्जियों के साथ ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये इस टाइप का कलर कुछ आ जाएगा। तो दो हम इसके भी बनाते हैं, दो कटलेट। ये तैयार हो गए हैं, हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से बहुत अच्छे सिक गए हैं, आप जरूर बनाइएगा। देखिए कुछ इस टाइप से ये लग रहे हैं। बीटरूट डालने के बाद कलर जो है वो इस तरह का आया है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है, अगर आप अपनी सब्जियां दिखाना चाहते हैं कि उसमें अलग अलग कलर दिखाई दें, तो आप ये केवल सब्जियों के साथ बनाएं। कुछ रेड कलर का और बीटरूट आपके पास पड़ी है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। आप अगर कमेंट्स में लिखेंगे कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे और हौसला मिलेगा कुछ अच्छी रेसिपीज बनाने के लिए। आजकल सभी के चैनल बहुत डाउन हैं, तो आप जरूर जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज बढ़ाइए, लाइक दीजिए। और ये देखिए, करीब ये 11 के करीब कटलेट्स बन गए हैं और 6-7 हम और बना सकते हैं, 5 और बना सकते हैं मीडियम साइज के। तो मैं आपको यहां दिखाऊं, क्रिस्पी हैं ये, आप आवाज सुन सकते हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूं, ये जो बीटरूट वाला है इसको हम कट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या कटलेट है, बहुत ही बढ़िया कटलेट है, देख सकते हैं आप अंदर से बिल्कुल बढ़िया और फुल ऑफ वेजिटेबल्स है। तो आप इस टाइप से बनाइए। दूसरा भी मैं आपको कट करके बताती हूं। ये देखिए काफी सारी सब्जियां हैं, पर्पल कैबेज है, बीन्स हैं, कैरेट है। तो मैं ये कहूंगी आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप शैलो फ्राई कर सकते हैं इसको जैसे मैंने किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।